हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सविता जीजी कुकिंग में। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ी की रेसिपी, जो मैंने बिना लहसुन और प्याज के बनाई है। तो देखते हैं इसे कैसे हम बनाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े कटोरे दही और 4 बड़े चम्मच बेसन ले लिया। तो इसको हम दही में बेसन को मिक्स कर लेते हैं। और मैंने ये बेसन लिया है पकौड़े बनाने के लिए। तो ये बेसन, इसको भी हम पानी में भिगो लेते हैं। बेसन ऐड कर रही हूँ, ये 4 चम्मच बेसन है, इसको मैं ऐड कर लूँगी। बेसन के बाद सारे मसाले ऐड कर लेते हैं, नमक मिर्च मसाले, हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च, इन सबको इसमें ऐड कर लेते हैं। दही, बेसन और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम कर लेते हैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है, नमक मिर्च मसाले, हल्दी, गरम मसाला, सब इसमें। अब इसमें हम पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। तो पकौड़ों के लिए बेसन हमारा रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम करने रख लिया है। अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। सारे पकौड़ों को हमने पलट लिए, दूसरी तरफ भी पका लेते अच्छे से। तो पकौड़े हमारे पक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब कढ़ी बॉईल कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया है जीरा, साबुत धनिया, अदरक और हरी मिर्च। मैं इसमें लहसुन और प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ। आप इसके व्रत वाले दिनों में भी इस कढ़ी को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे जीरा और धनिया ऐड कर रहे हैं। तड़का रेडी हो गया है। अब इसमें हम बेसन और दही का बैटर जो है उसको ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम तेज आंच पे पकाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आ जाए। और इसमें जब तक बॉईल नहीं आता तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हिलाते ही रहेंगे इसे हम जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है, काफ़ी अच्छे से बॉयल हो रही है, हिलाते रहेंगे ताकि ये गिरे नहीं। कढ़ी का नाम इसीलिए कढ़ी पड़ा है क्योंकि इसे हमें बहुत काढ़ना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है कढ़ी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ, आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा। इसको बनने में लगेंगे 15 से 20 मिनट। कढ़ी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और ये साइडों से भी हम इसको साफ कर लेंगे ऐसे करके। ये साइडों में लगती रहती है, इसको आपको निकालना चाहिए, नहीं तो इसमें काफ़ी नमक होता है और ये खट्टी हो जाती है साइड में। अब कढ़ी में हम पकौड़े ऐड कर रहे हैं। पकौड़ों को सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे कढ़ी को। इसमें डालेंगे हम मेथी, सूखी मेथी। इसको सर्व कर लेते हैं। कढ़ी हमारी रेडी हो गई है, इसको मैं तड़का लगा देती हूँ। तो तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है।
और तड़के के लिए मैंने लिया है जीरा और लाल मिर्च। तो अब इसको डाल लेते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। कढ़ी हमारी रेडी है, इसको हम गार्निश कर लेते हैं हरी धनिया के साथ। तो आपको कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी? ये मैंने बिना लहसुन और प्याज के बनाई है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।